फिलहाल ठिकाने और समरण शक्ति मम्मी और ख्याल ठिकाना चल गया तेल निम्बड़ की भक्ति मेरी चित की चाल Thank you.
जो मन मंदिर में बाजा करते वो घंटे टाल ठिकाने उम्र का तकाजा होता है मेरे भाई और दुर्गो, लेकिन फिर भी आप लोगों का स्नेह आपका प्रेम ही मेरे भगवान ही गुवारे है और मैं तो दिखू ही हूं जैसा पहलवान। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन मेरे भाइयों ने मेरा मान किया इस भजन के ऊपर, बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान उनकी मनोकामना पूरी करें तो परम हंस महान से चलते हैं कैसे भला शादा सा। अरे परम हंस जी भाई साहब, राम 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 भाई, राम राम भाई साहब, राम 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 राम। यहाँ तो हम भूखे मर लिए, भाइयों से तो भूखे मर जाएंगे, ना खाने के लिए मिलता ना पीने के लिए मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। चलो यहाँ से उड़ाई लगाओ, चलो कहीं चले चलते हैं, कहीं कहीं अपना टाइम पास करेंगे। और क्या, चलो चलो चलते हैं। अरे परमेश्वर, ये बगीचा ये बाग आ गया, लेकिन यहाँ कोई इंसान नहीं नजर आ रहा। हाँ भाई साहब, कोई नहीं है। नहीं ना, सारे तोते अमृत में। हाँ सामने सामने सामने। अरे भाई साहब नमस्कार। नमस्कार कौन हो भाई? भाई साहब राम राम। हम हैं परमहंस। परमहंस वहाँ किसने कहा भाई? आप नहीं जानते ना? जो बुराई आत्मा को जानते हैं और पहचानते हैं उन्हें परमहंस बोलते हैं। अच्छा अच्छा, परमहंस मेरी आत्मा ने जानो, मेरी आत्मा में बिल्कुल जानते हैं के है? अंदर से साफ है, ऊपर से बिल्कुल काली है। आत्मा बाहर है सारे, आत्मा तो भीतर हो गया। अब तुम परमहंस हो? हाँ परमहंस। के लेना है भाई, ये बताओ ये बगीचा ये बाग किसका है? यू है भाई राजा वीर विक्रमाजीत का। राजा वीर विक्रमाजीत का? हाँ भाई साहब, हम आपके आगे हाथ जोड़ के एक प्रार्थना करते हैं, हमें महाराज के दर्शन करवा दो। हाँ भाई, महाराज के दर्शन में रहने दो, तब मेरे दर्शन करो और उनका चलते हो। नहीं 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 भाई साहब, हमें महाराज से मिलना बहुत जरूरी है। फिर महाराज के दर्शन जरूर करोगे? बिल्कुल करेंगे। मंदिर को नहीं? बिल्कुल करेंगे। बाबा महाराज के दर्शन कर लो। रे क्या कहते हैं? और राम रहे बरसी, तुम तो उड़ारी ले जोगे, मैं चिक्कड़ में सने पड़ा रहूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। तुम सारे हंसो? अरे आप माली हो? और दिखता नहीं सने। अच्छा इस बात के? और हाँ सारे सारे हंसम। अरे झूठ बोलने लग गए। क्यों? ये कूड़ा बताओगे अपने सड़ी खड़ी रहे। अरे नहीं हंस, चलो महाराज से मिलाओ। अच्छा हाँ। अच्छा ऐसे भी महाराज का नहीं। हाय हाय राम सो, हाय हाय राम सो। आइए माली। हाय हाय राम सो। अरे के बात है माली? रामलाल महाराज। कैसे आए? ए महाराज अपने बगीचे में के उजाड़ हो गया थे? ना ना उजाड़ को नहीं आती। क्या बात है? वहाँ रहे थे पूरे 50 परमहंस। परमहंस? हाँ जी। बोले तो बड़े भाग्य की बात है, आप हमारे से भी ज्यादा सौभाग्यशाली हो, खुश नसीब हो। कैसे? ये दो पक्षी ऐसे हैं जिनके दर्शन बड़े दुर्लभ होते हैं। एक तो आप कर ही चुके हो परमहंस हो गए जो हमारे गरीब खाने मारे हैं, और दूसरा गरुड़, ये बड़ी मुश्किल दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी मर्ज क्या है, उनकी अभिलाषा क्या है? हमारे से महाराज का दर्शन कराओ, उनको आदर सही दरबार में।
चलो सारे ठीक हो जमा महाराज प्रणाम प्रणाम बेटा महाराज प्रणाम प्रणाम बेटा जी चलो महाराज प्रणाम खुश रहो बेटा खुश महाराज प्रणाम खुश रहो सुखी रहो बेटा क्या प्रणाम बेटे आप वही परमहंस हैं जिनका हमारे माड़िया भी अभी आप के आने की जांच लेने के लिए जी महाराज अच्छा ठीक है बेटा काफी बड़ा परिवार है आपका पूरे आए कहां से हो बेटे आप मानसरोवर झील से जी मानसरोवर झील ये तो दूसरे चीन मुल्क में पड़ती है हाँ बहुत दूर पड़ता है लेकिन यहाँ आने का मकसद क्या आपका महाराज हमारे पास हमारे देश में और और हमारा पता कैसे चले आपको महाराज हमारे देश में अकाल पड़ा है अकाल पड़ गया जी अच्छा इंद्र महाराज की क्रूर दृष्टि से ना बारिश होने की वजह से और वरुण देवता के साथ में हमारा झगड़ा हुआ है अच्छा और उन्होंने गुस्से में होके हमें पूरे 12 साल का दिसोटा दे दिया महाराज 12 साल का दिसोटा दे जी महाराज और हमने आपका बड़ी दूर दूर तक नाम सुना है अरे 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 ये क्या कह रहे हो नाम हमारा जी नाम तो भगवान का होता है बेटा हम तो मामूली से इंसान है महाराज के बड़े अच्छे राजा है बड़े इंसाफी राजा है दूसरों का दुख को अपना दुख समझते हैं इसलिए महाराज हम आपका नाम सुनकर आपके पास आए अपना आप ठहरोगे कितने दिन यहाँ पूरे 12 साल अपना तो क्यों नहीं है भाई माली फिर काम के महाराज एक काम कर ले ये कितने हमसे नहीं अपना तो क्यों था जी भाई चलो डाकना या ना डाकना आपकी मर्जी महाराज अच्छा पहले हमारी बात तो सुनोगे हमारी बात सुनिए महाराज सर ने आपके दर्शन ही काफी है बेटा हमारी बात के सामने अपना दुखड़ा रोते हैं क्या सेवा बेटे ओ शहर में फैला ले छतरी न्यूपले शहर में फैला ले छतरी ओ Time.
आत्मा प्रसन्न हुई इनके दर्शन करके। बड़ी घोषणा सी भी है हमारी, हमारे गरीब खाने में ये परम हंस आए बेचारे। आगे दूसरी बात क्या है? अच्छा ऐसा है बेटा, परम हंसो
आप ठहरोगे कितने दिन हमारे गरीब खाने में? हम पूरे 12 साल। खाद खुराक क्या है आपकी? हम खाते क्या है? अनबीत मोती। और पीने के लिए क्या चाहिएगा? अमृत। अमृत गौ माता का दूध। इसके अलावा कुछ और कोई डिमांड नहीं है? कोई मांग नहीं। आपकी खुराक कितनी है एक टाइम की? थोड़ा सा सिर्फ 50 ग्राम। ये सारा? हाँ ठीक है चलो 50। आपकी बेटा? मेरी 30 ग्राम। हाइट अच्छी है आपकी बेटे? आपकी आपकी ज्यादा ज्यादा 40 ग्राम। थोड़ी बताइए, आपकी बॉडी अच्छी है। अच्छा, और आपकी बेटिया? 20 ग्राम। अच्छा, तो भी तेरी खाया। और एक बच्ची ये बैठी है, एक बच्ची ये भी तो आपका ही बच्चा है। आप ही बताओ बेटे, चलो बच्चा है। ठीक है माली, सुन ली आपने ही बात? सुन लिया। इनकी खाद खुराक में कोई कसर नहीं होनी चाहिए। कोई कमी नहीं आगे बढ़ा। थोड़ा कहे तो ज्यादा संगना, बहुत समझदार। ठीक है, अगर इनकी तरफ से कोई कंप्लेंट आ गई तो फिर आप जानते हैं आपका क्या रहा होगा। इज्जत सहित इनको बगीचे में ले जाओ। अच्छा। आपका भी टाइम पास हो जाएगा, इनका भी टाइम कट जाएगा। परमहंसो, ये हमारे माली बहुत तजर्बेकार, बड़े समझदार है। आपकी सेवा करेंगे दिन रात। अगर इसकी तरफ से कोई कंप्लेंट हो तो मेरे पर आ जाना। ठीक है महाराज, आज जाइए। ठीक है महाराज। परमहंस भाई। हाँ ठीक रिया, परमहंस बेटे है। चलो चलो आ जाओ बाग में। चलिए थोड़ा ऊपर कर ले। अरे ये बगीचा गया, यू बाग आई हमारा देख लो। बड़ा सुंदर बाग है। बहुत अच्छा बाग है, फल फूल पेड़ पौधे बहुत ही सुंदर है। लेकिन ये बताओ, ये जो पेड़ लगे हुए हैं ना, ये किन किन फलों के है? ये पेड़ किन किन फलों के है, इनके बारे में हमें जानकारी दीजिए। शुरू में कूड़ा पकड़े हो गए क्या? वो तो बेल पत्थर का पेड़ है। ठीक है। अच्छा, मिर्चों की? ये अंगूरों की? ये अंगूरों की मेल है। अरे क्यों झूठ बोल रहा है? आना पुकार तू अंगूर कौन? अंगूरों की मेल अंगूर तो इनका एक मिल लाग रहा। आप पागल तो हमने बाजार में चले गए खाए होंगे। बाजार से खाते हम तो अपना हाथ में मेल के तो तोड़ के खाए। नहीं तोड़ के आप ही नहीं खाए। हाथ मार के देखो पिता को पूछे पूछे के बगीचे में माली के पास रहते सच्चे ये बताते हैं। आराम से इधर आ जाओ बेटा, इधर आते हैं। परम हंसों को किसी चीज की कोई कमी नहीं आई। माली ने बड़ी खातर तवज्जो करी, बड़ा आदर किया।
तो एक महीना बाकी रह जाता है तो वो मशवरा करते हैं आपस में, क्या शाबाश अरे भाई साहब नमस्कार 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 आओ ना भाई आपके ठेके को कह रहा है भाई साहब हम आपके पास क्यों आए हैं हमें फिर वाराणसी मिलना है अब भाई हाँ कोई मेरे ठेके की तो नहीं होगी अरे नहीं 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 तो ना मेरी शिकायत करो आपकी तरफ से कोई शिकायत नहीं है हमने आपसे जो मांगा टाइम से पहले दिया लेकिन वाराणसी मिलना बहुत जरूरी है मिला दो अरे हम तो आपकी तारीफ और बड़ाई करेंगे महाराज के सामने और आपकी तनख्वाह भी बढ़वा देंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है चलो महाराज का जीवन की जय हो आइए आइए भाई हाँ बोलिए जो अपने बाग में कुछ दिन पहले परमहंस क्या वो चले गए क्या ना ना जब काम नहीं थोड़ा काम तुम रखकर पर क्या बात है वो आपसे मिलना चाहते महाराज जी कुछ कमी आई क्या तेरे आपकी तरफ से ना महाराज मन कोई कमी नहीं करी ले आओ उनको मेरी तरफ से ले ले अपना ले आओ तो मैं पता हम गया था चलो ठीक है ठीक है इतने रो फटाफट में जो भी महाराज प्रणाम बेटे प्रणाम सुखी रहो बेटा सुखी रहो अगर कोई कार्य था कोई कमी पेशी हमारे मालिक की तरफ से थी जो हमें बुला लिया होता आप क्यों परेशान रहे बेटा महाराज आप महाराज हो ना मैं ना हमारा फर्ज बनता हम तो आपके सेवक हैं बेटा नहीं महाराज ऐसा कुछ नहीं है हाँ इसलिए आए बेटा महाराज हमें आपके राज्य में रहते सहते आपके बागों में रहते सहते पूरे 11 साल और 11 महीने बीत चुके महाराज झूठ भी बोलते हो इसका मतलब सच्चे हम झूठ कभी नहीं बोलते कभी नहीं बोलते झूठ बोल नहीं रहे आप नहीं माली ये नहीं कह रहे परमहंस भैया हम आपके बगीचे में रहते आपके माली के पास 11 साल सुनो बात सुन ले करो पहले बोलने की कोशिश मत करो 11 साल 11 महीने गुजर गए क्या वाकई में सच है ना झूठ बोलना चाहते फिर और तो से पकड़ा दो ना हम अगर गाली नहीं दे ना पक्षियों ना बड़ी मुश्किल से जीतते हैं ये दर्शन होते हैं निकल और महाराज आपके माली ने जी हाँ आपके माली बहुत अच्छे हैं अब आपने आप ही करे और आपके माली की जी तनखा बढ़वा है कमाल है यार अपना आप ही कर ना जी ये कहने तेरे को बाग में तनखा बढ़वा देने एक एक महीना तो बाकी है बेटा एक महीना बाकी है महाराज फिर हमारा रास्ते में गुजर जाएगा अब हम अपने वतन को जाना चाहते हैं मतलब जाने की बात है क्यों जाओ बेटा क्यों जाओ हमारी मजबूरी है या तो मेरे माली की तरफ से मेरी तरफ से कोई कमी हो चलो पानी नहीं महाराज फिर न्यू छोड़ क्यों जाओ आपकी तरफ से कोई कमी नहीं है महाराज हमारा पीछा परिवार है अच्छा। हमें उनसे मिलना जरूरी है अगर सही समय पे नहीं पहुंचे हाँ। तो हमें फिर से 12 साल का दिशा मिल जाएगा और महाराज तो हाँ जी जो आपने हमारी सेवा की है हमारे बच्चों की सेवा की है हमारी आत्माएं आपको क्या दुआएं देती जाएगी हम तो कुछ भी नहीं कर सके आपके लिए क्या कर दिया हमने आपने सब कुछ किया महाराज हमने बेटा अपना इंसानी फर्ज अदा किया क्या आपको एहसान कर दिया आपको वो तो ठीक है महाराज ये तो हमारा इंसानी फर्ज था और चलते चलते आप कुछ कहना चाहते हैं महाराज कहो बेटा ले सुनो कह लो कुछ बेटे कह लो कुछ लेकिन जान का नाम सुनाइए बेटा शाबाश
आत्म विश्वास के साथ बात कर रहा हूँ, घमंड गरूर कोई नहीं, ना मेरा आज तक आपका बोल ऐसा सुना होगा कहीं, बड़ा बोल बोलो ना हरगिज कभी, उसका नतीजा है शर्मिंदगी। लेकिन आत्मविश्वास के ऊपर कहता हूँ अपने बेड़े खेड़े की दया से, जो सांग में स्वाद तो आजा पेमेंट दे दिए बेटे ने डाल करिए। कहाँ एक मामूली सा इंसान, उसके उसके साथ तुलना कर रहे हो आप मेरी? महाराज उससे भी बड़े हम तो कुछ भी नहीं है। महाराज जी जब हम आपके पास आए ना, जो हर इंसान का फर्ज बनता है, आपने उस फर्ज को कैसे अदा किया, कैसे निभाया, तो हमारी बात सुनिए। Yeah!
तो आप भी बताओगे बेटा। आप दोबारा तो जवान हो जाओगे बेटा। हाँ कुछ कह लो लेकिन जाने का नाम नहीं। महाराज क्या करें, क्या कहेंगे हमारी आत्मा, ये बच्चों की आत्मा। अगर कोई मुसीबत आती है भगवान ना करे तो फिर दोबारा आ जाना। दोबारा तो महाराज और तो कोई रास्ता ही नहीं है। मत कर दे आपकी तारीफ ना कर। बिल्कुल महाराज, जो आपने हमारी सेवा की है ना। ओहो फिर वही बात, क्या एहसान कर दिया बेटा। महाराज ने कहा करा ना, आप जैसे जिसका खाइए और उसी का खाइए। बात तो ठीक है बेटा, लेकिन मेरा प्रशंसा मत कर। चल इस बात के बारे में सोचेंगे। ठीक है, गारंटी नहीं देते। अच्छा गारंटी। Linda!
मुरली से, आपको ये पता है कि विश्वे बीस किसको कहते हैं? तो कौन है रे इतना जोर बना रहा? मेरा आपको पता नहीं? मैं इंद्र महाराज हूँ। नमस्ते महाराज। नमस्ते। पता लग गया है? अच्छा ठीक है, दंड तो मैं फेर दूंगा आपको। आप हो कौन? हम मेहमान। मेहमान जी, मेहमान। ठीक है सुनियो जी, कुछ लोग कहते हैं साग के अंदर क्या क्या बात आती है, बहुत अच्छी बात आती है, समझने की बात आती है, आती है सिर्फ इन्हीं के साग में, चौधरी धर्मपाल के साग में, इन्हीं से सीखी हुई बताई हुई। मेहमान हो तुम, मेहमान सुनो, मेहमान इस पृथ्वी पर, सारी पृथ्वी पर दो है, एक मानी और एक पैसा, जो आती है और जाती है, तू कौन सा मेहमान है? अच्छा शीतल 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 बिल्कुल, इतने ठंडे हो तुमने कोई पिट्टो बोलते हुए नहीं। अरे मूर्खो, शीतल इस दुनिया में सिर्फ दो चीज है, एक तो पृथ्वी, अरे उसका पेट चीरते हैं अन्न पैदा करती है, और एक वृक्ष पत्थर मारते हैं नीचे फड़ाते हैं। अरे हो चलो यहाँ से। अरे मूर्ख जी, हमारी मूर्ख अट्टी अट्टी इतने जिद्दी हो जिसको, अच्छा जिनसे पीछे नहीं हटते। अरे मूर्ख, इस पृथ्वी पर जिद्दी हट्टी दो है, एक नाखून और बाल, जो बार बार काटने से भी रुक जाते हैं। मूर्ख, अच्छा मूर्ख, आप मूर्ख भी नहीं हो। इस दुनिया में मूर्ख सिर्फ दो है, दो मूर्ख है सुनो, एक तो बगैर योग्यता के, कोई योग्यता भी राजगद्दी पर राजा बैठे अपने हुकूमत दबाव के साथ, एक उसी सभा का ब्राह्मण राजा को खुश करने के लिए हाँ मैं आम लिया गया, चाहे गलत भी करता हूँ राजा, हाँ यही ठीक है जी, दो तीन ठीक है। अच्छा मैं तुम्हारी तो इतनी देर ला रहा हूँ, उसने 12 साल खाने के लिए अर्पित मोती दिए हैं, अच्छा गाय माता दूध पिलाया है, मेरे सारे कुत्ते बीड़ी भी निकाली भरी बटा तो मैं क्या। अच्छा तुम ऐसा नहीं मानूंगा, अब तुम्हें दंड दूंगा। हाँ अच्छा, मैं तुम्हारी एक हंसनी पकड़ता हूँ, सुना कर दे दो। भाइयों बुजुर्गों, मेरी माताओं बहनों बेटियों बच्चों इलाका वासियों सभी हाजरे, 202 रुपए से हमारे स्वर्गीय मेरे मित्र भी थे और मेरे पिता के समान भी थे, श्री मेहर सिंह जी गुर्जर, चौधरी मान सिंह जी जो रिटायर्ड मिलिट्री के, उनके पिताजी मेहर सिंह के, उनके जमाने में ही मैं यहाँ आया था जी, मान कर रहे हैं 202 रुपए के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद सारे परिवार। स्वर्गीय हमारे चेयरमैन साहब श्री दर्शन लाल कुड़ेवाला और रमेश चंद जी, कुकर वालों मेरे को बहुत खुशी है, आज तो दरबार में तो लग मार रहा है, आ बेटे, अरे मेरी मम्मी, आए कोई इसमें बेटे तेरी मम्मी तो, अरे चल महाराज के पास चलो, अच्छा महाराज ने जीवन की जय हो, परम हंसो महाराज की दुआई हो, परम हंसो शांत हो, शांत हो, महाराज का नाम हो, बड़ी हंसी खुशी के साथ यहाँ से गए थे आप परिवार समेत,
और पूरा परिवार मेरे देख रहे हैं आपका। रोते रोते वापिस क्यों आए, क्या बात है? एक ही बात तो भाई इतिहास जोड़ कर भाई एक बात मान लियो, हुआ भी मानिए आपने मेरी महाराज इतनी सेवा करी, फिर मैंने कोई एहसान कर दिया आपके ऊपर? एहसान तो नहीं किया महाराज, मैं कर के मैं किसका का ये टिकड़ा उसका का ये टिकड़ा जुलम कर दिया परम हंसो दम उठाई ले तेरे ते डाले ना महाराज और हम बीच में नहीं है और लंडर महाराज और लंडर महाराज फिर उसने ठीक किया था आपके साथ और मैं उससे ऊपर हो गया। इंद्र महाराज तो बहुत बड़ी पावर है, इंद्र महाराज बहुत बड़ी पावर है। क्या कर दिया फिर, क्या होया? फिर रो क्यों था मैं, क्या बात हो गया? हंसनी खोसली इंद्र महाराज ने, कोई बात नहीं फिर दूसरी हंसनी ले आई मैं जीत नहीं करेगा परम हंस यार, हमारे पास हंसों की हंसनी की कोई कमी है और मैं बाजू में कोई हंसनी तो उड़ती आ जाएगी। फिर उसने बात भी नहीं कही, क्या उसने जो बाजा था सोता महाराज है जी रमेश चौथा महाराज है। हाँ। उसने जाके कह दिया हंसनी छुपा के ले चला, चेतावनी दी, चेतावनी दे दी महाराज से महाराज इंद्र महाराज ने और जुमला के हंसनी तोर भी आ जाती, लेकिन जो इंद्र महाराज ने आपको चेतावनी आपको चैलेंज किया है, अगर आपके राजा वीर विक्रमाजीत पीछे पीछे है ना, मैं तुम्हारी हंसनी पकड़ता हूँ, आपके हंसनी छुटा कर ले जाएंगे, वरना और कुछ नहीं है, ये चैलेंज किया जी। ये चैलेंज कर दिया। हाँ जी। बड़ा जुलम करया मैंने एक ही बात कही थी बेटे, भी मेरा मान बढ़ाई मेरी प्रशंसा मत कर देना, और एक भी एक ही नहीं मानी आपने। महाराज सेवा इतनी करी और क्या नहीं कहा, क्या कहा था तुमने? महाराज वीर विक्रमाजीत पीछे भी इसकी जय हो। कितने बोल के थोड़ा लंगर महाराज, अरे बोले हो मैं कोई 20वें 20 हूं महाराज, ले आ जाओ डैडी के पास, ले आ जाओ महाराज, ले आ जाओ। आज की रात ऊपर बड़ा बड़ा बाल करवाने लागे ने भूखे और मैं हंसो महाराज, गलती तो बहुत बड़ी करी आपने, लेकिन कोई बात नहीं, चलो कोशिश इंसान का फर्ज बनता है, या तो आपकी वही हंसनी लाऊंगा जो इंद्र महाराज ने खोज ली, और ना आपको शक्ल नहीं दिखाऊंगा। यहाँ बैठो है, ये राजगद्दी है हमारा, सिंहासन है, आप हंस नहीं, आज से वीर विक्रमाजीत हो, और ये जो मेरी रियासत है, ये शहर है, ये आपके अधीन करके जाता हूँ और इसको संभाल कर रखना, हमारे नाम पर धब्बा उठा लगा देना। यहाँ का राजा मैं हूँ। बिल्कुल हो, सुना क्या मारो, आज आज का सारा सभी ने दान देना है, राजा हूँ मैं, सोचो महाराज, हो गए होंगे पहला काम, सर पहला नंबर पहला काम मेरा शहर के चारों कोनों में शराब के ठेके, और ये जितनी पक्की गली है जितने रोड है इनको सबको बुड़वा दूंगा। बहुत बढ़िया, अरे भागा कोई तो बनवा रहे, तू बनवा लगा क्यों? अरे लोग घड़ी दारू पीवेंगे, अच्छा पक्का में तो पड़ेंगे फूटेंगे, कच्चा में किसर किसर के पहुंचेंगे। परम हंस यहाँ बैठो, इस राजकाज के कुछ नियम होते हैं, नियम है
नेम टेम है, नियम होता है, कोई रूल होता है। आरोप सुनो ध्यान से। रस्ते में सुनो भाई, कोई सुनो बेटे,
रस्ते में कोई कैर मीरबानी से नदी मिल गई जिसका कोई भी साथी नहीं, उसके साथ क्या हुआ करोगे तुम? क्या हुआ करो? हमारा जन्म इसीलिए हुआ। कैसे? धर्म की धारा की समशीर गीत सुना जो मैं फिर। गीत तो है नहीं है, तो कर